कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बगीचे पे, जहाँ पे मैंने पहले एक बार गई थी, पिछले साल गई थी शायद, और आज तो फिर एक साल बाद जा रही हूँ। तो आज जा रहे हैं हम वहाँ पे ना, नाशपाती है, नाशपाती का पेड़ है, तो उसमें नाशपाती अब पक गई है और उनको लाने जा रहे हैं स्पेशली, मतलब क्योंकि वहाँ पर ना गिर जाती है, खराब हो जाती है मतलब ना, तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम लेके आ जाएंगे, और क्योंकि पसंद भी, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब नाशपाती मुझे भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है मतलब, तो इसीलिए जा रहे हैं मैं और ड्राइवर मेरे साथ, मेरा ड्राइवर है नहीं नहीं यही करता धरता है करता धरता तो यही है, मैं तो ऐसे यूँ कर लूँ बस। ठीक है, तो बस यहाँ से निकल गए हम अनस से, तो अब पहले दमा तक जाना पड़ता है, निथर होके जाना पड़ता है मतलब, और निथर में काम भी है थोड़ा बहुत, चाची से सुन कर लेना मम्मी का, वापसी में बोल रही हूँ, और टेलर से पेटीकोट लेना है मम्मी का वापसी में ही, तो ये भी काम है। तो अभी तो सीधे ऊपर ही निकलेंगे, हमें धूप लग गई है सुबह, मौसम मतलब ऐसा था, धुंधा सा ऐसा लग रहा था कि मौसम अच्छा है, बारिश हो जाए तो अच्छा है, बट अभी धूप लगी है काफी ज्यादा, और वहाँ पे पैदल चलना पड़ता है, धमा पहुँचना पड़ता है, और धमा से फिर पैदल चलना पड़ता है। आगे का ब्लॉग 7500 फीट के ऊपर बनाया जाएगा। आगे का ब्लॉग जो है कहते हैं 7500 फीट की ऊंचाई पे बनाया जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं ये, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अगर वहाँ पर मल्चिंग वगैरह करने को भी होगी तो थोड़ा बहुत घास भी निकाल देंगे। मैं तो बोल रही थी कि मतलब अब पता नहीं कितनी होगी वो नाशपाती ना, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि घास लेके आ जाएंगे वहाँ से थोड़ा बहुत ना, एक ये उठा लेते नाशपाती और मैं घास उठा लेती, क्योंकि नहीं नहीं आप ही नाशपाती उठाना, मैं घास उठाऊंगी, कहते उल्टा नहीं बोला, नाशपाती आज़ादी भारी होगी, कहते घास तो मैं चलो 2 पिंड के 3 पिंड के जितने मर्जी लाने होंगे उतना ला सकती हूँ, नाशपाती तो भारी होगी, और वो सारी लानी है, हमने छूट नहीं थोड़ी भी है कोई, कितना बोलती हूँ, 2 मिनट हो गए कंटिन्यू बोलते हुए। इनका गाना पोज कर रहा है बेचारे, ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया है बहुत ज़्यादा अपना सॉन्ग पोज करके। तो अब ठीक है, अब मिलेंगे आपसे बाद में, वहीं पे मिलेंगे बगीचे में, नहीं 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 जहाँ से पैदल चलेंगे वहाँ मिलेंगे आपसे। ठीक है, ओके बाय बाय। भोलेनाथ के पास सबके कर्मों का खाता है, तू जैसा करता है वैसा वो लिखता जाता है, पक्की कल्याण हो भोलेनाथ तुझे दिल से चाहता है, दिन रात जपे तेरा नाम लेके तेरे गीत गाता है, मरता काम करता जो चंडाल का दाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल में, मरता काम करता जो चंडाल का दाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अब तो हम पहुंच गए निथर, और ये रहा मेरा स्कूल, मेरा नहीं हमारा स्कूल, इनका भी यही स्कूल है, मतलब मैं प्लस वन के लिए आई थी स्कूल में और ये प्लस टू के लिए आए थे, आप भी प्लस टू में ही आए थे ना, प्लस वन भी यहीं से हुई आपकी, हाँ अच्छा प्लस ये रहा शहीद डोलाराम मेमोरियल स्कूल निथर, तो मेरी प्लस वन यहाँ से हुई है, इनकी प्लस वन प्लस टू दोनों यहाँ से हुई है, और जहाँ से सारा किस्सा शुरू हुआ, और किस्सा ऐसा शुरू हो गया कि आज 10 साल 15 साल हो गए शायद, और ऊपर को मौसम देखो बगीचे की तरफ, जिधर है बगीचा ऊपर जिधर ये मौसम है दिख ही नहीं रहा मतलब कुछ भी, यहाँ जाना है हमने अब बहुत मतलब बहुत अच्छा मौसम है वहाँ पर। हाँ जी जनाब, हम डमा गाँव में पहुँच के, अभी यहाँ से पैदल मार्च होगा ऊपर को, कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना। मैं थोड़े आगे निकल गई थी, वो रुके थे, वो दुकान गए थे एक्चुअली, कुछ खाने पीने का सामान ला रहे, कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे टाइप, मतलब जो कभी कभार खेत आता है उनके लिए तो पिकनिक ही होती है ये तो मुझे रास्ता एग्जैक्टली पता भी नहीं है सच बोलूँ तो, कि रास्ता है कहाँ से, तो मैं यहाँ तक तो मुझे पता भी, यहाँ से ऊपर को तो आ जाए कहीं रास्ता, वो तो है नहीं है, ये बंद ही कर दिया ये वाला रास्ता शायद, अब आगे से होके जाना पड़ता है, किधर से रास्ता इधर से, ऐसे नहीं था ऊपर को, अच्छा मेरे को याद ही नहीं है किधर से था रास्ता, क्या लेके आया, 10 बज गए पूरा, और अभी पता लगेगा कितना टाइम लगता है, 10 बजे से 5 मिनट पहले हम निकल गए थे ढमा गाँव से पूरे, लेट्स सी कितना टाइम लगेगा हम आपको बगीचे में पहुँचने में। हाँ जी मैं डाला है, पर मेरा सांस तो अभी से फूलने लग गया
ये तो बहुत भी तेज तेज कदम लगाते हैं ना, लंबे लंबे, इसलिए मैं इनको आगे जाने ही नहीं दूंगी। मेरे पीछे चलो, जिस स्पीड में मैं चलूँगी उसी स्पीड में आप चलो। सीधा रास्ता है और बीच बीच में चढ़ाई पड़ती है यार। डालिए सेबों के ऊपर। और अब ठंडा पानी, सच्ची ठंडा है, सच्ची हाई सच्ची यार। बोतल भी यही भरना पड़ता है फिर, है ना? बोतल वाला पानी तो गर्म है। फ्रीज नहीं लाया था, मेरे ध्यान नहीं रहा इस कमल के, पहले खा दिया, खाए, अगली बारी सब ध्यान रखना, परमानेंट नलका है। हाँ बहुत अच्छा है, बीचों बीच देखो रास्ते के बीचों बीच नलका लगा ना, और इधर फेंसिंग की है, करंट होगा इसमें। ये वाला पानी तो बहुत गर्म है। फाइनली मेरे पास कैमरा मैन अवेलेबल हो गया है, मैंने फ़ोन उनको पकड़ा दिया है। तो अभी हम जंगल में पहुंच गए हैं और यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, सच बोलूँ, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा हाइट में, 7,500 फीट की हाइट पे है, और काफ़ी मतलब अच्छा है यहाँ पर, और जंगल है तो धूप भी नहीं ज़्यादा पड़ रही है, बहुत अच्छा मौसम है और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। और यहाँ के पेड़ आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पेड़ है, और ये पेड़ है देवदार के। तो सोचती हूँ काश मेरा घर यहीं परमानेंट वाला होता, सीरियसली इतनी हाइट में। पर एक चीज़ से बुरा है क्योंकि पैदल इतना चलना पड़ता रोड के लिए, जो कि मैं चल ही नहीं सकती, गर्मी में रह लूँगी पर पैदल नहीं मेरे से चला जाता भाई, सच्ची बात बोलती हूँ। तो राहुल रजत आई मिस यू, लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ही गई थी इस रास्ते में। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं, वो हमारी कुटिया दिख रही है आपको, दिख रही है ये वाली, फाइनली हम पहुँच गए हैं जी। नई प्लांटिंग इनकी, कितने पेड़ रुके और कितने सूखे, कितने लगाए थे हमने टोटल? हाँ जी 150 के अराउंड लगाए थे, उसमें से 3 या 4 पेड़ जो है वो खराब हुए। और ये देखो सेब के हालात, ओले की मार देख रहे हो, इतने बड़े बड़े दाग है ओले के। ये देखो ओले की मार, ये होते हैं ओले की मार, इसीलिए नेट लगाते हैं लोग। और इनकी कोई वैल्यू नहीं है इन सेब की, जिसमें जिसमें ओला पड़ गया ना उन सेब की कोई वैल्यू नहीं है। फिर ये देखो, अब देखो खाने भी शुरू कर दिए पक्षियों ने, ये देखो कितनी बुरी तरह से खाए हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं, और हम पहले जाएंगे अपनी कुटिया के पास और वहाँ पर सारा सामान रखेंगे, और फिर थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे, पानी पियेंगे, सेब खाएंगे, सेब लेके आई हूँ। और यहाँ गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, आना सॉरी यहाँ में दिन रात का अंतर है, जितना अंधेरा दिन रात को होता है वो अंधेरा आनस में, और जितना उजाला दिन को होता है वो उजाला यहाँ है। सो दिस इज आर कुटिया, ये देखो ये है आसमान चढ़ने की सीढ़ी, ये देखो स्वर्ग की सीढ़ी, ये दिखो ही नहीं रहा है पूरा, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये है पार्ली साइड एरिया, गोरा कौन सा एरिया है ये ऊपर को, गोरा पेटा भी हुआ, अंधेरा जहाँ पे धुंध है ना, यहाँ है ना राखी की शादी हुई। हाय राखी, अगर तू मुझे देख रही है तो मैं तेरे गांव को देख रही हूँ यहाँ से, आई मीन जब तू ये वीडियो देख रही होगी। ये देखो ये है आसमान चढ़ने की सीढ़ी, ये देखो स्वर्ग की सीढ़ी, ये दिखो ही नहीं रहा है पूरा, बहुत अच्छी लोकेशन है। ये है पार्ली साइड एरिया, गोरा कौन सा एरिया है ये ऊपर को, गोरा पेटा भी हुआ, अंधेरा जहाँ पे धुंध है ना, यहाँ है ना राखी की शादी हुई। हाय राखी, अगर तू मुझे देख रही है तो मैं तेरे गाँव को देख रही हूँ यहाँ से, आई मीन जब तू ये वीडियो देख रही होगी, ठीक है। और जालियाँ पड़ी है, ये लोगों का है, जहाँ जालियाँ नहीं पड़ी है वो अपना है। ये देखो और नाशपतियाँ, मुझे लग रहा है पक गई है, ये देखो नाशपति यहाँ पर। हाँ अब मैं बैठ गई हूँ आराम से, और कितना अच्छा आ रहा है ना, फोटोज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अब हम एप्पल खाएंगे, और हमने 1-2 आरुए भी चोरी किए थे आते टाइम, तो आरुए भी खाएंगे, और कुरकुरे लेज बहुत कुछ है खाने के लिए वो खाएंगे। तो फिलहाल हम शुरुआत करेंगे A4 एप्पल से। एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे, पर नर्स को नहीं अवे कर सकते अब।
वो चाहे आप एक दिन के 100 एप्पल भी खा लो ना, तब भी नहीं अवे हो सकती नर्स अब. एम आई राइट? मेरी तो पिकनिक हो रही है सच बोलूं. घर के एनवायरमेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस और ऐसी हसीन वादियाँ, खाने के लिए लेज कुरकुरे, पीने के लिए पानी और इतना सारा घास. मेरा मन कर रहा मेरे पास कोई दिव्य शक्ति होती, मैं सारा घास लपेट के अपनी लाली के लिए ले जाती. सीरियसली बोल रही हूँ मैं. आप तो एक कुरकुरे का पैकेट भी खा लिया और वो गया इधर चक्कर काटने, मतलब सारे पौधे देखने जो लगाए हैं पौधे नए ना, तो उनको चेक करने जा रहे हैं. तो मैं आई, मैं कहा मैं नज़दीक नज़दीक वाली तो एटलीस्ट तोड़ दूँ नाशपतियाँ जो है. ये देखिए ये है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना तोड़नी बहुत मुश्किल होगी क्योंकि ऊंची है ऊपर और ये पेड़ भी इतना बड़ा नहीं है कि इसमें हम चढ़ सके आसानी से. तो मेरी रेंज में तो जितनी एक थी और जो है वो मैं तोड़ दूँगी, बाकी तो उनको फिर खुद ही तोड़नी पड़ेगी. ये देखो, और इसमें भी देखो ओला पड़ा है, देखिए कितने दाग है इसमें भी ओले के. ये देखो बहुत बुरी तरह से, पर खाने के लिए बहुत अच्छी है, नो डाउट मैंने खा लिया एक. नज़दीक नज़दीक वाली तो मैं तोड़ दूँगी. देसी जुगाड़ किया है, पल्ले में लेके जा रही हूँ ऐसे कुर्ते के ना, क्योंकि मैं कटा तो लाई नहीं इधर, मुझे लगा नहीं था मेरे से इतनी निकल जाएगी, बट ये काफ़ी निकल गई है. तो मैं अब इनको ऐसे ले जा रही हूँ वहाँ तक, जो मेरे से निकलती थी वो निकल गई. अभी उतनी अच्छी तरह से पकी नहीं है पर ठीक है, मतलब अब मैं यहाँ पर बैठ के अपनी वीडियो एडिट करूँगी और उनका वेट करूँगी. जब वो आएंगे फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी. अब ये पेड़ में चढ़ गया बंदर हमारा, तो इतने एक हमने तोड़ दी है बड़ी, मतलब इसका ना पेड़ का हाल ऐसा हुआ है, इसमें ना जगह ही नहीं है. मतलब अब ये ऊपर से फेंक रहे हैं, मैं कैच कर रही हूँ. मतलब मैं कहाँ जाऊँ, ऊपर वाले खेत में जाऊँ, ऊपर वाले खेत में जाऊँ? हाँ ना बोलो बाबू, ऊपर वाले खेत में जाऊँ है ना? यहाँ कहाँ दोगे आप? मैं ऊपर वाले खेत में जाती हूँ, वहाँ के लिए कैच करने में आसानी होगी. अरे 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 खड़ जाओ यार. कहाँ चढ़े ऊपर? शुक्र है मैंने सोचा ये बहुत नाजुक होगा. कैच कैच, देखा कितना अच्छा कैच करती हूँ मैं. हो जाएगी सिलेक्शन नेशनल क्रिकेट टीम में, हो जाएगी सिलेक्शन मेरी कि नहीं होगी? हर कहीं नहीं फेंको ना यार, मुझ किधर उधर फेंक रहे भाई ताकि इससे कैच नहीं हो. ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ढंग से फेंको ना, इतने आगे मत फेंको ना, इतने आगे थोड़ी भी पहुंचूंगी मैं, नीचे जाना मैंने, फिर नाशपाती उठाओगे कि मेरे को उठाओगे? ये देखो देखा, ये देखो कैच कर दिया. तो जनाब बंदर उतर गया और हमने तोड़ दिया सारी. हाँ नहीं नहीं पक्की है, इतनी नाजुक भी नहीं है, तोड़ दी खाली कर दिया हमने अच्छे से, टूट गई बस दो चार दाने कुछ छोटे छोटे रह गए वो छोड़ दिए हमने. और ये देखो हाथ लाल हो गए मेरे पकड़ पकड़ के बज बज के. ये देखो इधर हर कैसे रखी है, इधर हर कैसे रखी है. अब इनको कट्टे में भरेंगे और इधर नीचे भी फेंकी है, जो आगे आगे वाली थी ना वो टूट ही नहीं रही थी हाथ में आके आगे आगे वाली, तो उनको ऐसे ही झाड़ के नीचे फेंक दिया. बस टंकी के ऊपर हमने कवर कर दिया था झाड़ी ऐसी और कट्टा रख के, बाकी नीचे झाड़ के सारी नीचे गिरा दी. तो इनको इकट्ठे करते हैं अब. तो मैं हमने बना दिया एक इसमें, एक उसमें, दो कट्टों में बना दिया है और टाइम हो गया अभी पूरा एक बजा है पूरा एक, और धूप भी लगी है. अब देखो अब धूप लग गया है चारों तरफ, ये देखो. अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुरकुरे कुरकुरे खाएंगे, फिनिश करके पानी पुनी पियेंगे,
आधा पौना घंटा वेस्ट करके रेस्ट करके फिर निकलेंगे यहाँ से। और ये उठाने के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत बेकार है, हैं। और इनके हाथों के हाल देखना, अपने बाजू दिखाना, यहाँ देखना, यहाँ देखो छिलके निकले, मतलब इधर इधर से छिलके, क्या ये ना खरोंचों की वजह से सूजी सी आ गई है, यहाँ देखो। जनाब अब हम जा रहे हैं वापस, और आलस इतना पड़ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, यहाँ पर 2 बज गए हैं, 1:54 हो गए। इन्होंने तो बाबू पहले मेरे को दो उठाने के लिए, मेरे से नहीं उठाया जाता ऐसे जैसे आप उठा रहे हो। पहले मेरे को दो पकड़ा के कंधे पे, मेरा मतलब ये है। और या फिर हमने बहुत बड़ी गलती की, रस्सी नहीं लाई, अगर रस्सी लाई होती ना तो पीठ में ले जा सकते थे, बहुत बड़ी गलती की, मतलब ऊपर से रास्ता नीचे खराब है, हल्का है। चलो भैया ही दे दो मुझे, ऊपर से रास्ता खराब है तो अब कोई फोन नहीं खुलेगा, अब कोई वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि ये उठाने के लिए वैसे ही बेकार है, ऐसे नहीं उठाया जाता जान मेरे से। तो फिर क्या, पकड़ के पूंछ आगे पकड़ के, हाथ थक जाएगा करके, जैसे भी हो जितना भी हो बस ऐसे करके ले जाना पड़ेगा, रस्सी नहीं लाई। चलो ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, अब आपसे मिलेंगे धमाम में, जब ये गाड़ी में पड़ जाएगा सामान तब फोन खुलेगा, अब नहीं खुलेगा। बस एक जगह रुकना है हमने, वो पानी बोतल वहाँ भरनी है, जगह ना मतलब रुकना तो बहुत जगह पड़ेगा, भारी है बहुत, ये उठाया नहीं जाएगा ऐसे। चलो ठीक है जनाब, ओके बाय बाय। बैंड बज गई, कसम कर रही हूँ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है इतनी ज्यादा ना, और मैं वही खेत से उठी, 10 कदम चली होनी है ना, 10 कदम चली वहीं पे गिर गई मैं, पता है। और मेरे पैर में, मतलब पैर मुड़ गया मेरा, माँ मूंछ सी आ गई थी पैर में, फिर मैं बैठी वहीं, इन्होंने बेचारे ये डर गए कि कहीं ज्यादा ही उन्हें डैमेज होगी, कहते तू रहने दे, मत उठा, रहने दे, कहते इसको लाना ही, यही रख देते इसको। मैं कहना नहीं उठा लूंगी मैं, पर शुक्र है कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ, मतलब थोड़ी सी हल्की सी मुड़ी थी, और उस टाइम पे तो बहुत पेन हो रही थी, बट अब ठीक है। अब ये खुला हुआ दूध में है, पानी सूख गया ना। हाँ अच्छा, और क्या बोलते हैं, बस अब निकल गए हम, गाड़ी में पीछे डाल दी वो, अब निथर में रुकेंगे और वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है। हाँ सामान लेना है थोड़ा बहुत, और मैं अब ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, लिटरली कसम से बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और मम्मी के पेटीकोट लेने हैं, और थोड़ा बहुत और सामान है, किचन का सामान है थोड़ा बहुत, बस वो लेना है, और सीधा घर जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और एनर्जी ख़त्म हो गई है, बट टाटा बाय बाय। मैं तो बोल रही हूँ ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म कर देती हूँ। हाँ जी जनाब, तो ये पहुँच गए हम आनस के ढाकों के बीच में ये है हमारी चट्टान, आनस के ढाक है ये सो कॉल्ड ढाक। तो अब हम पहुंच गए हैं, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ऐसे ऐसे लोकेशन है, कहाँ नहीं मिलेगी आपको, ऐसी ऐसी लोकेशन है आपको, इधर ही मिलेगी। क्यों, किन्नौर में तो मिलेगी ना बहुत। तो अब हम पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हमने नहाना है, फ्रेश होना है, भूख लगी है, खाना खाना है, और बहुत थकान हो रही है सच बोलूं, इधर इधर दर्द हो रही है, और मम्मी की कॉल भी आ गई है, वो पूछ रहे हैं कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, बाय 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 करो, बाय प्लीज, 2000 सब्सक्राइबर पूरे करो, तभी अपना फ़ोन मेरे को देंगे, देंगे ना, दोगे ना 2000 रुपये, ये वाला फ़ोन प्लीज़ कंप्लीट करो फटाफट।